नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। जी हाँ, पांच बड़ी खबरों के साथ मैं अभिलाष एक बार फिर आपके सामने हूँ। आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन टेस्ट मैच खेला जा रहा है। बता दें आपको कि पृथ्वी शॉ जिन पर दाव लगाया था जब इंडिया ने, वो दाव जो है वो लगभग तीर जो है वो निशाने पर लग गया है और एक अच्छे ओपनर का उद्गम होता दिखाई दे रहा है। पृथ्वी शॉ कैसा परफॉर्म करेंगे आगे चलकर ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी शॉ ने दिखाया है कि इस खिलाड़ी में दम है। 18 साल की उम्र में अगर ये वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा सकता है तो ये गेंदबाज बहुत बड़ी शैली का बल्लेबाज है। एक बार फिर विराट के खास केएल राहुल को अब शर्म आ जानी चाहिए। शून्य पर आउट हुए हैं राजकोट के पिच, फ्लैट विकेट, यहाँ पर आराम से आप रन स्कोर कर सकते थे, हमने देखा भी। यहाँ पर एक बार फिर केएल राहुल जो है पूरी तरह से फ्लॉप हुए, शून्य पर आउट हुए, चौथी गेंद पर अपना विकेट दिया। बहुत बड़ी गलती यहाँ पर एक बार फिर विराट कोहली के सामने आ रही है। तीन स्पिनर खिलाने पर भी सवाल उठे हैं, क्यों तीन स्पिनर खिलाए गए, ये सारी चीज़ें भी अब उठने लगी हैं, यानी कि विराट के फैसले पर अब सवालिया निशान लगे हैं। तो चलिए, क्या कुछ खास है आज की खबरों में, आइए दिखाते हैं हम आपको अपनी सेगमेंट में। देखिए क्या है आज की टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज। टीम इंडिया को एशिया कप जितवाने वाले रोहित शर्मा को टेस्ट टीम से बाहर करने पर विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट को हर कोई घेर रहा है। ऐसे में खबरों की माने तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाज इंजमामुल हक ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जी हाँ, खबरों की माने तो इंजमाम ने कहा कि रोहित शर्मा जो एक बेहद टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जिनके वनडे में तीन दोहरे शतक हैं, ऐसे में उन्हें टेस्ट टीम से बाहर रखना समझ से परे है। इंजमाम ने कहा कि रोहित मौजूदा समय में ODI रैंकिंग्स में दूसरे पायदान पर हैं, ऐसे में ऐसे खिलाड़ी को अगर आप टेस्ट टीम से बाहर रखते हैं तो ये टीम का नुकसान है। रोहित शर्मा को जरूर चांस मिलना चाहिए टेस्ट टीम में। बता दें आपको कि विराट कोहली और उनकी टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेल रही है और वहीं रोहित शर्मा को टीम में जगह नहीं दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में और क्या लोगों की राय आती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच राजकोट में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच में पृथ्वी शॉ ने धमाकेदार शतक जड़ा है, वहीं कप्तान विराट कोहली काफी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गई है। शुरुआत में पहला झटका लगने के बाद चेतेश्वर पुजारा और पृथ्वी शॉ की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, जिसके बाद टीम इंडिया एक विकेट पर 200 के पार पहुंच गई। ऐसे में आपको बता दें कि पहला टेस्ट मैच शुरू होने से ठीक पहले इंटरनेट पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिसमें कप्तान विराट पृथ्वी शॉ के साथ प्रैक्टिस में जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही विराट पृथ्वी शॉ को भांगड़ा भी सिखा रहे हैं और पृथ्वी शॉ चुपचाप खड़े होकर अपने कप्तान को देखकर मस्ती के गुर सीख रहे हैं, यानी कि पृथ्वी शॉ और विराट की मस्ती देखने लायक है। खैर, पृथ्वी शॉ ने अपना ड्रीम डेब्यू तो पा ही लिया है, अब उम्मीद की जा रही है कि ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के लिए आगे और भी अच्छा करेगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा राजकोट टेस्ट भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाने वाला है। जी आपको बता दें कि 18 साल और 329 दिन के पृथ्वी शॉ ने शानदार शतक जड़कर यह दिखा दिया कि टीम इंडिया को अब उनका ओपनर मिल चुका है, जिसकी उन्हें काफी सालों से तलाश थी। बता दें आपको कि यहाँ पर पृथ्वी शॉ के शानदार शतक के बाद हर कोई पृथ्वी शॉ की तारीफ कर रहा है और उन्हें बधाई दे रहा है। ऐसे में खबरों की माने तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पृथ्वी शॉ की जमकर तारीफ की है। इमरान ने कहा कि पृथ्वी शॉ जैसा बल्लेबाज सदियों में एक बार पैदा होता है और सचिन तेंदुलकर के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारत को एक ऐसा मास्टर ब्लास्टर मिल चुका है जो बेहतरीन से बेहतरीन पारी खेलना जानता है और उसके शॉट की टाइमिंग भी काफी शानदार है। यानी कि पृथ्वी शॉ की बल्ले बल्ले तो आज हो गई है और अब हर कोई उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच राजकोट में खेला जा रहा है। बता दें आपको कि कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जहां पर इस मैच में अपना डेब्यू कर रहे पृथ्वी शॉ पर सबकी नजरें थीं। पृथ्वी शॉ हालांकि एक बेहतरीन बल्लेबाज है, ये सब जानते थे, लेकिन अपने पहले ही मैच में शानदार अर्धशतक जड़कर पृथ्वी शॉ ने दिखा दिया कि बल्लेबाजी कैसे की जाती है। पृथ्वी शॉ आपको बता दें कि पहले टेस्ट के पहले सेशन में यानी कि लंच से ठीक पहले तक नाबाद 62 रनों पर खेल रहे हैं और अभी भी अभिजीत है। बड़ी बात यह है कि पृथ्वी शॉ ने अपनी पारी में बेहतरीन चौकों के साथ अपना क्रिकेट का एक बेहतरीन टेम्परामेंट दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा पृथ्वी शॉ के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप में लगे हुए हैं। लंच से पहले टीम इंडिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका है और एक बार फिर KL राहुल पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे हैं।
ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पृथ्वी शॉ टीम इंडिया को ओपनिंग की समस्या से निजात दिला पाते हैं या नहीं। विराट द्वारा टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को टीम से बाहर किए जाने के बाद भी रोहित शर्मा की दरियादिली एक बार फिर साफ देखने को मिली है। जी हां, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धोनी के बाद कैप्टन कूल के रूप में रोहित शर्मा को ही जाना जाता है। ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे राजकोट टेस्ट मैच के में पहले ही मैच में पृथ्वी शॉ ने शानदार शतक जड़ा है, जिसके बाद रोहित शर्मा ने पृथ्वी शॉ की जमकर तारीफ की। रोहित शर्मा ने कहा कि इस चैंपियन बल्लेबाज ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और इस बल्लेबाज में वो हुनर है कि वो भारतीय टीम को मैच जिता सके और ज्यादा से ज्यादा रन बना सके। रोहित ने कहा कि सिर्फ 18 साल की उम्र में ऐसा टैलेंट देखकर बेहद खुशी हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि पृथ्वी शॉ ऐसा ही प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया और बाहर के देशों में भी करेंगे। यानी कि रोहित की दरियादिली साफ देखने को मिली है। हालांकि उन्हें टेस्ट टीम से बाहर होने का मलाल जरूर होगा, लेकिन पृथ्वी शॉ के शानदार शतक ने उन्हें हल्की फुल्की खुशी तो दे ही दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच राजकोट में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच में ड्रीम डेब्यू मिला है पृथ्वी शॉ को। जी आपको बता दें कि भारत के लिए 293वें प्लेयर बने हैं पृथ्वी शॉ, जो टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बता दें कि पहले ही मैच में पृथ्वी शॉ ने शानदार ताबड़तोड़ शतक जड़ा। मैच 99 गेंदों में अपने पहले ही मैच में शतक जड़कर पृथ्वी शॉ ने बता दिया कि टीम इंडिया के अगले सचिन तेंदुलकर वही हैं। जी आपको बता दें कि खबरों की आए माने तो यहां पर सचिन तेंदुलकर ने भी ये कहा है कि पृथ्वी शॉ में कुछ तो बात है कि वो टीम इंडिया को और आगे तक लेकर जा सकते हैं। बता दें आपको कि बचपन में सचिन ने पृथ्वी शॉ से कहा था कि अगर तुमसे कोई तुम्हारा बल्ले की ग्रिप बदलने को कहे तो तुम मत बदलना, सीधा मुझसे बात कराना। यानी कि सचिन को बचपन से ही पता था कि मुंबई के पृथ्वी शॉ एक होनहार खिलाड़ी हैं और आगे चलकर बेहतरीन क्रिकेट खेल सकते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच राजकोट में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद टीम इंडिया ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 364 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं और वो भी 4 विकेट के नुकसान पर। दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान विराट कोहली और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद थे और दूसरे दिन की शुरुआत भी यही दोनों बल्लेबाज करेंगे। विराट नाबाद 72 रन पर हैं और ऋषभ पंत 17 रन बनाकर नाबाद हैं। यानी कि इन खिलाड़ियों ने अपने कौशल का परिचय दिया है और अपने टैलेंट का पूरी तरह से बखान किया है, लेकिन पूरी तरह से महफिल लूटी है पृथ्वी शॉ ने। जी हां, आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ ने 134 रनों की धुआंधार पारी खेली है और जिस तरह से इस खिलाड़ी ने अपना कौशल और जौहर दिखाया है, उससे कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया को एक तूफानी बल्लेबाज मिल चुका है। ऐसे में पृथ्वी शॉ ने जिस तरह की पारी खेली, उनकी तारीफ के कसीदे हर कोई पढ़ रहा है। दादा ने भी पृथ्वी शॉ की जमकर तारीफ की है। दादा ने कहा कि पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और अब उनकी बल्लेबाजी देखकर सहवाग की याद आ रही है। यानी कि टीम इंडिया को अगला सहवाग मिल चुका है, दादा ने कहीं ना कहीं इशारा दे दिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच राजकोट में खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया की गिरफ्त में आ चुका है। जी आपको बता दें कि टीम इंडिया पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 364 रन बोर्ड पर लगा चुकी है और वो भी 4 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर टीम इंडिया अब करीब 450 से 500 के स्कोर की ओर बढ़ रही है और यहां पर पहले दिन के स्टार रहे टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेल रहे पृथ्वी शॉ। जी हां, आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ ने अपने पहले ही मैच में शानदार शतक जड़ा और 134 रनों की धुआंधार पारी खेली। पृथ्वी शॉ ने शतक 99 गेंदों में पूरा किया और ताबड़तोड़ पारी के बल पर टीम इंडिया को एक अच्छा रन रेट प्रदान किया, जिसके बाद बाकी बल्लेबाजों को मोमेंटम पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हालांकि पृथ्वी शॉ ने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। आपको बता दें कि 18 साल 329 दिन के पृथ्वी शॉ ने पहला शतक आज इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ा और अपने पहले ही मैच में साथ ही वो क्रिकेट इतिहास के 6वें बल्लेबाज बन गए जिन्होंने युवा एज में सबसे पहले शतक जड़ा है। आपको बता दें कि अगर भारतीय बल्लेबाजों की बात की जाए तो क्रिकेट इतिहास के भारतीय बल्लेबाजों में पृथ्वी शॉ दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं पहले ही मैच में शतक जड़ने वाले। यानी कि कुल मिलाकर पृथ्वी शॉ का बोलबाला पहले दिन रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पृथ्वी शॉ की ये पारी टीम इंडिया को जिताने में काम आती है या नहीं। तो देखा आपने, 5 बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम टेस्ट मैच जीतती है या फिर विराट की कप्तानी का इम्तिहान होता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी 5 बड़ी खबरों के साथ। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। तो हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।